Self-made, presented by Brands Academy. Knowledge partner, WBR Corporation. Styling partner, Ajay Mehra. नमस्कार, मैं हूं रोहित रॉय और आप सबका एक बार फिर सेल्फ मेड के इस नए एपिसोड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रोग्राम सेल्फ मेड एक ट्रिब्यूट है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी मेहनत से हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने की कोशिश की, अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी खुशहाली लाने की कोशिश की। आज हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने दोस्तों के साथ मिलकर ब्यूटी ट्रीटमेंट, विशेषकर हेयर ट्रांसप्लांटेशन की तस्वीर को बदलने की कोशिश की है। इनका क्लिनिक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक है। इनके यहां से हर साल हजार से ज्यादा हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं। तो स्वागत करते हैं तालियों के साथ डर्मा क्लिनिक्स के डायरेक्टर डॉक्टर कविश से। डॉक्टर साहब, आप वाकई बहुत यंग हैं, इतनी जल्दी इतना सब कैसे कर लिया? सब बस जैसा साथ में होता रहा, मेरा एजुकेशन एम्स से हुआ, उसके साथ में जब हमने ये डिसाइड करा कि हमको एस्थेटिक्स, हेयर ट्रांसप्लांट और डर्मेटोलॉजी में आगे बढ़ना है, उसके साथ में ही ये चीज होती रही। पहले हमने थोड़े स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करा था। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई थी? एम्स से। पढ़ाई मेरा डर्मेटोलॉजी पूरा जो एमडी कोर्स है वो एम्स से हुआ है। एम्स से हुआ था। उससे पहले अगर थोड़ी पहले जाएं तो बचपन की अगर बातें करें तो स्कूलिंग कहाँ से है, माता पिता कहाँ हैं, रहते कहाँ थे, कुछ बताइए। सर, मेरा बेसिक स्कूलिंग मध्य प्रदेश में धार करके एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, वहाँ से मेरा एजुकेशन हुआ है। वहाँ जो स्कूल है उसको केंद्रीय विद्यालय धार था स्कूल, वो स्कूल वहाँ पे पहले एक सेंट्रल जेल थी, उसको कन्वर्ट करके वो स्कूल बनाया गया था। अच्छा। एजुकेशन मेरा वहां से, मेरा 10th तक पूरा बेसिक एजुकेशन वहां हुआ है। मेरे पेरेंट्स दोनों ही डॉक्टर्स हैं। अच्छा। उन्होंने काफी सोशल वर्क करा, उनको जो रिस्पेक्ट मिलता था वही देख के मैंने डिसाइड करा कि मुझे भी डॉक्टर बनना है। और फिर मेरा बेसिक आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि माता पिता डॉक्टर हैं? नहीं, मेरे माता पिता ने हमेशा यही चाहा कि जो भी आपको पसंद है वो चीज आप करें। सो बट उनको मैं देखता था, जितना उनको रिस्पेक्ट मिलता था तो मुझे यही लगता था कि मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए। तो फिर मैंने पढ़ाई करी, MBBS मेरा इंदौर मेडिकल कॉलेज से हुआ। अच्छा। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डर्मेटोलॉजी में एम्स से करा। तो आपने ये कब डिसाइड किया कि ब्यूटी के क्षेत्र में, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के क्षेत्र में जाना चाहिए, और क्यों डिसाइड किया? मैं एक ऐसा फील्ड लेना चाहता था जो कि काफी ज्यादा स्किल ओरिएंटेड हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जिसमें रिजल्ट्स मैं दे सकूं जो कि काफी क्लियरली विजिबल हो। इसीलिए मैंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन को प्राइमरीली चुना। तो दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज योर प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट डिफरेंट फ्रॉम सो मेनी अदर डॉक्टर्स इन द कंट्री? सर, हेयर ट्रांसप्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे क्लिनिक में जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता है वो प्राइमरीली हमेशा पूरा प्रोसीजर डॉक्टर्स के द्वारा ही करा जाता है। हम जो सर्जरी करते हैं हम प्राइमरीली FUE तकनीक से हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसमें पीछे कोई, जहां से बाल लिए जाते हैं, कोई विजिबल स्कारिंग नहीं रहती है, ऐसा पता ही नहीं चलता है कि सर्जरी करी भी गई है। जो बाल आते हैं सामने वो रिजल्ट एकदम नेचुरल लगता है, तो कोई देख के बता ही नहीं सकता कि सर्जरी हुई भी है, वो रिजल्ट इतना नेचुरल रहता है। तो अब हम लोग जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, हम जिस तकनीक से करते हैं उसको सीखने के लिए इंडिया और इंडिया के बाहर विदेशों से भी बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए रेगुलर बेसिस पे आते हैं। तो ये आपने पेटेंट किया है? हाँ जी। सो हमने पेटेंट के लिए भी ये जो टेक्निक्स हैं, हमने सम ऑफ देम आर पेंडिंग फॉर ट्रेडमार्क्स एज वेल एज फॉर नेम पेटेंट। सो ये तकनीक से जो है रिजल्ट थोड़ा सा और बेहतर आता है। आप खुद करते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन? मैं ही प्राइमरीली करता हूं। हमारे क्लिनिक पर मैं, टीम तो होगी लेकिन आप भी खुद? हाँ, अब हमारे क्लिनिक पे वी हैव अबाउट 10 हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स। अच्छा। बाकी प्राइमरीली मैं और मेरे कलीग डॉक्टर अमरेंद्र, प्राइमरीली हम दोनों करते हैं। यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा, इन्होंने बात की है डॉक्टर अमरेंद्र की, तो वो भी आज स्टूडियो में मौजूद है। ये दोनों साथ में काम करते हैं और दोनों ने मिलकर इस कंपनी को आगे बढ़ाया है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत डॉक्टर अमरेंद्र का। प्लीज कम, बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों ही बहुत मतलब
बहुत सिमिलर लगते हैं आप लोग, शायद लुक में नहीं लेकिन जिस तरह से आप लोगों का हाव-भाव है, यू लुक लाइक योर ब्रदर्स मोर देन पार्टनर्स। मे बी बिकॉज़ वी हैव बीन ट्रेन्ड इन द सेम इंस्टीट्यूट, तो हमने कुछ कैरेक्टर एक्वायर्ड। आप भी एम्स से आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया वहां से? वी वर बैचमेट इन एम्स, जहां हमने साथ में अपनी ट्रेनिंग पूरी की। अच्छा। और फिर हम दोनों फर्दर ट्रेनिंग के लिए हम दोनों चंडीगढ़ गए, देन वी केम बैक टू दिल्ली। कोई प्लानिंग थी तभी से अपने आप होता गया? होता गया, बट प्लानिंग भी थी कि हमें कुछ वैसा करना है जो रिजल्ट दे, लोगों में एक चेंज लाए, और उसके लिए हमने सोचा था कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन वुड बी अ गुड फिट। जब आप लोग कॉलेज में थे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, तभी इस माइंड में ऐसा था कि हम लोग इस किस्म के क्लिनिक साथ में खोलेंगे? हाँ, तब से हमारा कुछ ऐसी प्लानिंग थी कि हम आगे चलकर ये कुछ। डॉक्टर अमरेंद्र के बारे में ये भी बता दूं कि ये बिहार से हैं, इनके पिता डीएसपी थे, इन्होंने पटना मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया और एम्स जैसा कि इन्होंने बताया वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन किया डर्मेटोलॉजी में। आप दोनों साथ में कितने सालों से काम कर रहे हैं? 2011 में हमने ये क्लिनिक शुरू की थी। 2011 में। आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यों ऐसा है? DermaClinix, basically X represents the X factor. X factor, okay. Yeah, so we primarily wanted to bring that into the dermatology. Mm-hmm. So primarily that was the whole purpose, okay. And it was related to our skin and hair. That's why it was named DermaClinix. मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं तो एक्टर हूं, तो अगर हम लोग ये शूट नहीं करते होते तो मुझे लगता है 2-4 घंटे में आपके साथ बैठ के बात करता, उतना वक्त है नहीं। इस पॉइंट पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, आप लोग कहीं जाइएगा। We are into is stem cell therapy. Now, what is stem cell therapy? You know, it's different from stem cell banking. You know, we don't bank. What we do is diseases where there is no cure, there's no hope. Diseases which degenerate on a daily basis. You know, a person who is walking in a few weeks' time, he's wheelchair bound and subsequently he's on bed, where there's no hope at all. That's where stem cell therapy comes. We regenerate those organs and make the person functional again. There are a lot of diseases which I can mention. For example, if you take neurological conditions, you have Parkinson's disease, you have autism, you have cerebral palsy. If you talk about ortho conditions, you have osteoarthritis. Then you have diabetes, you have renal failure, you have liver failure, liver cirrhosis. There are n number of conditions where conventional medicine fails. Always think of stem cell therapy. And we are there to help you out. Thank you. Our organization name is Indokids International. It is located in Kolkata. It is actually a huge privilege that I am getting award. It will encourage me to develop our institutions, and this will help, and this will become one USP of our organization, that we are award-winning institutions now. We have very good package compared to our competitor at reasonable price. That definitely I will leave our competitor behind. बच्चे बच्चे को पता है कानून के हाथ लंबे होते हैं। हाँ। पर अंकल आपके हाथ तो बड़े गंदे हैं। क्या बोला तू? अभी आता हूँ। ये लो अंकल, हाथ धो लो। पतंजलि हैंड वॉश प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित, जो दे आपके हाथों को कीटाणुओं से पूरी तरह सुरक्षा। कानून के हाथ हमेशा साफ रहने चाहिए। पतंजलि हैंड वॉश। फील है, स्टाइल है, तेरा मेरा कोलंबस, तेरा मेरा सारा जमाना बोले, हो गए दीवाना बोले, फिट है और हिट है कोलंबस। जीएसटी है नया दौर, और नए दौर के लिए नया टैली, जिसमें बिलिंग से लेकर रिटर्न तक सारे काम आसानी से कर लेता हूँ। मैं भी हो गया जीएसटी रेडी, आप हुए क्या? म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, तो ले निवेश का फैसला समझदारी से। तो उठाएं अपना फोन और मिलाइए ये नंबर
मैं और मेरी टीम एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर बताएंगे कौन से हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स और कैसा है उनका परफॉर्मेंस, और वो सारी जानकारी जिससे जुड़ा है आपका फायदा। देखिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे। जी बिजनेस ने किया सरकार के टैक्स टेरर का खुलासा, और अब खुद पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन से सुनिए कैसे डीमोनेटाइजेशन ने आर्थिक गलेबंदी में लगाई सेंध, कैसे वादों के बावजूद नहीं मिल रही हैं नौकरियां, कैसे लगातार बढ़ रही है अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस। शनिवार और रविवार दिन भर सिर्फ जी बिजनेस पर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, तो ले निवेश का फैसला समझदारी से। तो उठाएं अपना फोन और मिलाइए ये नंबर। मैं और मेरी टीम एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर बताएंगे कौन से हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स और कैसा है उनका परफॉर्मेंस, और वो सारी जानकारी जिससे जुड़ा है आपका फायदा। देखिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सेल्फ मेड, मैं हूं रोहित रॉय। डॉक्टर कविश और डॉक्टर अमरेंद्र ने अपनी क्लिनिक तो खोल ली दोस्तों, पर इतने पैसे नहीं जुटा पाए कि वो ज्यादा स्टाफ हायर कर सके, और इसीलिए ऑपरेशन थिएटर में ये लोग कभी कभी 24-24 घंटे नॉन स्टॉप काम करते थे। क्या ये सच है, आप बताइए। जब शुरुआत में जब हम सर्जरी करते थे हमारे पास उतने स्टाफ नहीं होते थे, तो जब हम सर्जरी फिनिश करते थे और नेक्स्ट सर्जरी के लिए हमें तैयारी करनी होती तो स्टरलाइजेशन के इंस्ट्रूमेंट सारी चीजों का अरेंजमेंट करना वो हमें खुद ही करना होता था, एंड दैट टेक्स आवर्स। तो और कई बार ऐसा होता था कि एक सर्जरी के जस्ट बाद बिकॉज फॉरेन से पेशेंट आते थे, दे हैव ऑन अ वेरी टाइट शेड्यूल, तो वो तुरंत के लिए विदेश से भी लोग हिंदुस्तान आते हैं। हिंदुस्तान एक बहुत ही अच्छा सेंटर हो चुका है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए, जहां हर साल विदेशों से बहुत सारे लोग आते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। डॉक्टर गम साहब क्या कहेंगे ये अगर कंपेयर किया जाए वेस्ट के साथ, तो आप किस लेवल पे आते हैं? आर वी बेटर देन देम इन टर्म्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन? सर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड स्किल व्हाट आई वुड से इज कि हम लोग किसी भी मायने में कम तो बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि भारत के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां लोगों को ऐसा होती हैं कि यह काम सही से होगा या नहीं होगा, बट जिस क्वालिटी का वर्क यहाँ पे होता है वो सब मायनों में जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे या उससे बेहतर ही है। रिजल्ट्स वाइज अब हम लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में लेक्चर्स लेने के लिए भी हमको रेगुलर बेसिस पे बुलाया जाता है। सो इसकी जो सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्ट्रोशन सर्जरी की कॉन्फ्रेंस में भी मुझे सैन फ्रांसिस्को में इस बात के लिए लेक्चर लेने के लिए बुलाया गया था कि जो एडवांस बाल्डनेस होती है उसमें कैसे ट्रांसप्लांट करा जाता है। सो वहाँ भी जब हमने अपने रिजल्ट्स प्रेजेंट करे थे तो वहाँ के भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स काफ़ी आश्चर्यचकित थे। उनमें से ही कई डॉक्टर्स जो उस समय ऑडियंस में थे दे देन बाद में हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए। अच्छा। ताकि वो भी सीख सकें कि और ट्रांसप्लांट बेहतर कैसे करें। फैंटास्टिक है, फैंटास्टिक। तो ये तो पहले आप लोगों के पास इतना स्टाफ नहीं था,
तो और आज माशाल्लाह बहुत स्टाफ है, पहला मेजर ब्रेक थ्रू कैसे मिला आपको? सर हम लोग ट्रांसप्लांट वाइज एक ब्रेक थ्रू नहीं, ये एक हमारा एक ग्रेजुअल जर्नी रही कि हम लोग सर्जरीज करते रहे, धीरे धीरे ऐसा हो गया कि हम लोग ऑलमोस्ट डेली एक सर्जरी करते थे, हमारे पास में ओटी कम पड़ने लगी, स्टाफ कम पड़ने लगे, डॉक्टर्स कम पड़ने लगे, तो फिर हमने ओटीज और बिल्डअप करी, फिर अब जो हमने सेटअप बनाया है वहाँ पे हम डेली 6 से 7 हेयर ट्रांसप्लांट्स एक साथ में कर सकते हैं, तो और कई सारे अब डॉक्टर्स उसके लिए धीरे धीरे ग्रेजुअली हम इस वाले प्रोसेस पे पहुँचे। आप जब हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, शायद ऑडियंसेस को ये ठीक से पता ना हो, तो आप हार्वेस्ट भी करते हैं और लगाते भी हैं कि हार्वेस्ट कोई और करता है, लगाता कोई और है? ये एक टीम वर्क है, जो एक टेक्निक होती है। इन्होंने आपके आने से पहले कहा कि यहाँ पे डॉक्टर्स ही सब डॉक्टर्स ही सारा सारा काम करते हैं, बट स्टिल इट नीड्स अ टीम, करेक्ट, जिसमें कि हार्वेस्टिंग, एनेस्थीसिया, डिजाइनिंग, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे के सारे डॉक्टर्स करते हैं, बट हमारी एक खास टेक्निक है जिसके कारण हम हेयर की ग्रोथ जल्दी होती है, इसमें हमें दूसरे असिस्टेंट्स की भी जरूरत पड़ती है, बट बिकॉज वो कांस्टेंट सुपरविजन एक डॉक्टर हमेशा उनके साथ होता है, तो वो कभी भी आउट ऑफ क्वालिटी कभी भी नहीं होती है ड्यूरिंग द होल ट्रांसप्लांटेशन। ये जो सारी बातें हुई हैं, इन बातों पर आधारित हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है जिससे आपको ये पता चलेगा कि इनके क्लिनिक्स में, इनके सेंटर्स में आखिर ट्रीटमेंट होता क्या है, देखिए। डॉक्टर कविश भारत के बहुत ही प्रसिद्ध डर्माटोलॉजिस्ट हैं। ब्यूटी ट्रीटमेंट और हेयर ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में इनका जवाब नहीं है। एम्स दिल्ली से पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर कविश ने एक दो जगह नौकरी की, लेकिन उनकी सोच बहुत बड़ी थी। उन्होंने अपने दोस्त डॉक्टर आर्मेंद्र कुमार और ज्योति गुप्ता के साथ मिलकर डर्मा क्लिनिक्स की स्थापना की। आज ये क्लिनिक भारत में हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हेयर ट्रांसप्लांटेशन अनोखे ढंग और अति आधुनिक तरीके से की जाती है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के अलावा डर्मा क्लिनिक्स सटीक और विश्व स्तरीय प्लास्टिक सर्जरी के लिए मशहूर है। धीरे धीरे पूरे भारत में डर्मा क्लिनिक्स के नेटवर्क बिछाए जा रहे हैं। They're more like a friend to us as rather than a employer, you can say. Dr. Amrin Kumar से मैं अपने post graduation studies के time पे मिली थी। वहाँ वो मेरे senior थे। उन्होंने मेरी बहुत help करी studies में। He is a very knowledgeable person. Dr. Kavish Chauhan से मैं post graduation के बाद मिली, and he has a zeal for bringing best services in field of dermatology, especially hair transplant surgery. Some people from United Arab Emirates recommend Dr. Kavish like one of the best dermatologists and the best hair transplant surgeon in India. So I decided to come here in DermaClinix. मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है और जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही कमाल के हैं। जो उनकी जो टेक्निक है हेयर ट्रांसप्लांट की वो बहुत ही यूनिक है, मतलब आपको पता भी नहीं लगता कि कब आपकी सर्जरी हो रही है। हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा ब्यूटी के फील्ड में और क्या करते हैं आप? हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा स्किन से रिलेटेड जितनी भी ब्यूटी, एंटी एजिंग, पिगमेंटेशन, रिंकल, सारे स्किन टाइटनिंग, सारी तरह का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ अवेलेबल है। प्लस जो क्लिनिकल डर्माटोलॉजी, जो स्किन की खास बीमारियां होती है, उसके लिए भी हम लोग बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट देते हैं। प्राइमरीली हम लोग एम्स में ट्रेंड है, तो हमारा ओरिएंटेशन उस तरफ भी हमेशा से रहा है कि जो स्किन की डिजीज है बिसाइड ब्यूटी ट्रीटमेंट, वो हमेशा हम अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड करें। और आज के ज़माने में जो अत्याधुनिक मशीनों से जो ब्यूटी ट्रीटमेंट्स की जाती है, जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, वो हमारी क्लिनिक में सारे अवेलेबल रहते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। जो एक बात इन्होंने फिलहाल नहीं बताई है वो ये है कि डॉक्टर कविश और डॉक्टर अमरेंद्र एसिड विक्टिम्स को मुफ्त में ट्रीटमेंट देते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा। Do you trade in equity, commodity or forex market? Do you have any query related to stock market? You can contact us to get free experts' opinion and advice. We'll be right back.
starter, no choke, no flicker. It's time to switch to Orient LED Baton. Nay LED Baton meet Purana Captain. Orient Electric. Switch to smart. छह प्रतिशत ब्याज सेविंग्स अकाउंट पर बंधन बैंक आपका भला सबकी भलाई। बाबा आपके पास तो दिव्य दृष्टि है ना, फिर आपको चश्मे की क्या जरूरत। बेटा 40 के बाद चश्मे की सबको जरूरत होती है। प्राइम लेंस अपनाए जो आते हैं वारंटी कार्ड और रेट लिस्ट के साथ, ये देते हैं आपको 100% सेटिस्फेक्शन। चश्मा जब भी बनवाए प्राइम लेंस ही लगवाए। जी बिजनेस ने किया सरकार के टैक्स टेरर का खुलासा और अब खुद पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन से सुनिए कैसे डीमोनेटाइजेशन ने आर्थिक गलेबंदी में लगाई सेंध, कैसे वादों के बावजूद नहीं मिल रही हैं नौकरियां, कैसे लगातार बढ़ रही है अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस। शनिवार और रविवार दिन भर सिर्फ जी बिजनेस पर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, तो ले निवेश का फैसला समझदारी से। तो उठाएं अपना फोन और मिलाइए ये नंबर। मैं और मेरी टीम एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर बताएंगे कौन से हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स और कैसा है उनका परफॉर्मेंस, और वो सारी जानकारी जिससे जुड़ा है आपका फायदा। देखिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है, मैं हूं रोहित रॉय और आप भी देख रहे हैं सेल्फ मेड। मेरे साथ डॉक्टर कविश और डॉक्टर अमरेंद्र। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आप करते हैं, बर्न विक्टिम्स, एसिड विक्टिम्स को आप फ्री में ट्रीटमेंट देते हैं। हमारे साथ में पहले ऐसा हमारा स्पेसिफिक प्लान नहीं था, बट हमने कुछ पेशेंट्स ऐसे देखे कि जिनमें एसिड बर्न के कारण जिनका पूरा स्कैल्प के हेयर्स काफ़ी हद तक चले गए, आईब्रोज नहीं रहे थे। ये वाला ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, ये जो पेशेंट्स थे मोस्टली दे कैन नॉट अफोर्ड इट। सो हमने उस चीज़ के लिए ये डिसाइड करा कि जो वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मेंटली इस चीज़ से परेशान हैं, तो उनको अपनी तरफ से जो हम मैक्सिमम मदद कर सकते हैं वो करें। सो हमने ये डिसाइड करा कि इन केसेस में हम लोग ट्रांसप्लांट फ्री में करेंगे, और अब हमने ऐसे कई केसेस करे हैं जिसमें हमको जहाँ पर ऐसा लगता है कि ज़रूरत है, अगर जेन्यून ज़रूरत है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम लोग उसको एक मिनिमम कॉस्ट या फ्री में ट्रांसप्लांट हम लोग कर देते हैं। वेरी वेरी गुड। मेरा भी ये मानना है कि वंस यू अचीव समथिंग इन लाइफ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव बैक टू सोसाइटी। अब थोड़ी पर्सनल बातें कर लेते हैं, पता करते हैं कि आपके फैमिलीज में कौन है, कौन कौन है आपके आगे पीछे, किन के साथ रहते हैं, शादी वादी हो गई आपकी? दोनों शादीशुदा लगते तो आप बिल्कुल बैचलर हैं। कौन कौन है आपकी फैमिली में सर? सर मेरी वाइफ है डॉक्टर श्वेतल पांडे, वो भी डॉक्टर हैं, वो रिमेटोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर रही हैं। सो वो मैक्स साकेत में वर्क करते हैं। सो उन्होंने भी काफी मेरा शुरुआत में वर्क शेड्यूल काफी ज्यादा हेक्टिक रहता था, सो उन्होंने काफी एंड्योर करा इस पूरी चीज को। काफी अच्छा ये जर्नी रहा है। वो भी दिल्ली में ही है। वो भी दिल्ली में ही है। और आपकी?
माय वाइफ वो डॉक्टर रजनी आनंद वो भी डॉक्टर हैं, तो सब आप लोग क्या एक साथ एम्स में से निकले थे क्या? नहीं, मेरी वाइफ अभी एम्स में ही लेकिन काम कर रही है, शी इज इन लैब ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, बेसिकली शी इज अ पैथोलॉजिस्ट। अच्छा, वाह वाह, फैंटास्टिक। एनी किड्स येट? मेरा एक बेटा है वो अब ऑलमोस्ट एक साल का होने वाला है। ओके, अरे वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो क्या आगे चल के यही करेगा वो कि आप भी उसे उतनी छूट देंगे जितने आपके पिताजी ने? मैं उसको पूरी तरीके से छूट दूंगा कि वो जो बनना चाहे वो करे, रादर आई वुड वॉन्ट हिम टू बी अ प्रॉपर एंटरप्रेन्योर सो दैट ही क्रिएट समथिंग न्यू। चलिए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं आपकी फैमिली पे हमने वाला। कविश को खेलना कूदना बहुत पसंद है, उन्हें ये सब बड़ा अच्छा लगता है और कोई भी एडवेंचर एक्टिविटी, स्काई डाइविंग हो चाहे जो भी हो, वो एकदम उसे मतलब रेडी रहते हैं करने के लिए और बिल्कुल एंजॉय करते हैं। संस्कारी लड़का है, मतलब आपका जैसा है लड़का नहीं है कि हाँ बिना गार्जियन के कुछ किए चाहे कहीं गए कहीं आए नहीं माँ को बात माने चाहे भाई, वो सब नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ है कि वो रिलेशनशिप को समझता है, बड़ा छोटा सबका आदर करना जानता है। बंदा इतना परफेक्ट है कि कभी कुछ करता ही नहीं है। हाँ, एक बुरी आदत है सोने की, सुबह वो जल्दी उठता नहीं है, 9 बजे तक सोता है और ही इज़ ए फिटनेस फ्रिक। फैबुलस। डॉक्टर्स, इससे पहले कि आप यहाँ से विदा लें, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों इंडिपेंडेंटली हमारी ऑडियंस को जो घर पे बैठे आपको देख रही है, कोई एक मंत्र दें या टिप दें या एडवाइस दें जिंदगी के लिए, अपने करियर्स के लिए, अपने प्रोफेशनल करियर्स के लिए खासकर। सर, सक्सेस के लिए कभी भी शॉर्टकट नहीं होता है, हमेशा हर चीज़ में आपको मेहनत करनी होती है। आप मेहनत करते रहें तो आपके ड्रीम्स सक्सेसफुल होंगे, आप उस मुकाम तक पहुंचेंगे। हारना नहीं है, मेहनत करते रहना है। आप कोई गुरु मंत्र दीजिए। मैं कहूँगा सबको अर्जुन बनना चाहिए, एवरीवन शुड हैव वेरी फोकस्ड ऑन हिज वर्क एंड डेफिनेटली ये सारी चीजें अगर आप फोकस रहते हो तो सफलता आपके पास हमेशा ही आती है। आप दोनों का ये मानना है कि जो भी आदमी डटा रहे फाइनली वो सक्सेसफुल होएगा ही। जोरदार तालियां हमारे दोनों हैंडसम डॉक्टर्स के लिए। बहुत बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके एंड डेफिनेटली आप जाने से पहले मुझे कार्ड जरूर देके जाइएगा। और आप लोग जो घर पे बैठ के हमारा ये शो देखते हैं इसी तरह देखते रहिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को है, बहुत प्रेरणा मिलती है हर हफ्ते। अगले संडे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही गेस्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स। थैंक यू सो मच यार। दोस्तों, अगर आपकी कहानी इनसे मिलती है और भारत के स्टार्टअप रेवोल्यूशन में योगदान दे सकती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@selfmade.co.in। हमारा फोन नंबर है 9999976639।